हेलो एविड लर्नर्स, दो द कोविड-19 पेंडेमिक इज राइजिंग इन इंडिया, आई होप आप सब मास्क की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में सतर्क कीजिए, बिकॉज अ मास्क ऑन योर फेस कैन प्रोटेक्ट देम एंड अ मास्क ऑन देयर फेस कैन प्रोटेक्ट यू। तो अब मुद्दे पे आते हैं। आज का हमारा वीडियो है अबाउट अ फ्यू पीपल हु हैव बीन इन न्यूज़ रिसेंटली। वैसे तो श्री विलियम जी शेक्सपियर ने कहा है, व्हाट्स इन अ नेम, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। बात तो सही है, लेकिन एग्जाम में एक एक मार्क्स के लिए नाम की काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है, इसलिए आज हम देखेंगे कुछ बहुचर्चित व्यक्ति। फर्स्ट इन द लिस्ट वी हैव फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ये राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट होंगी। बनारस की रहने वाली शिवांगी एक महीने से अंबाला में राफेल कन्वर्जन ट्रेनिंग ले रही हैं और जल्दी ही इन्हें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। अंबाला से पहले ये राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा से लगे एयरबेस पर तैनात थी। एयरफोर्स में अभी 10 महिला फाइटर पायलट हैं और 18 नेविगेटर हैं। एयरफोर्स में फीमेल ऑफिसर्स की संख्या 1875 है। आप सभी को पता होगा कि 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उनके अलावा फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ पहली बार बतौर फाइटर पायलट वायुसेना में शामिल हुई थी, और इसी के बाद सरकार ने महिलाओं के लिए भी प्रायोगिक तौर पर फाइटर स्ट्रीम खोलने का फैसला किया था। शिवांगी सिंह के बाद हम चर्चा करेंगे नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2020 जीतने वाली इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डूडना की। ऐसा पहली बार हुआ है कि साइंस स्ट्रीम के लिए नोबेल प्राइज एक विमेन ओनली टीम को मिला है। इनको ये प्राइज मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग, यानी जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने के लिए इन्हें ये प्राइज दिया गया है। इनके बाद है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के विनर्स। ये प्राइज दिया गया है रॉजर पेनरोज को आधा, और आधा दिया गया है रीनहार्ड डेंजल और एंड्रिया गेज को जॉइंटली। दे हैव बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर फर्दरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैक होल्स, द मोस्ट एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। रॉजर पेनरोज को ये अवार्ड, ब्रिटेन के रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए ये अवार्ड मिला है। न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल जैसी चीजों को कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ब्लैक होल यूनिवर्स का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आ सकती। रॉजर पेनरोज ने दिखाया कि ब्लैक होल एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जरूरी परिणाम है। इनके अलावा यह अवार्ड रीनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेस को दिया गया। एंड्रिया गेस और रीनहार्ड ने हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का अभी तक का सबसे ठोस सबूत प्रदान किया है। एंड्रिया फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाली चौथी महिला हो गई हैं। नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी या मेडिसिन ये दिया गया है हावे जे ऑल्टर, माइकल यूटन और चार्ल्स एम राइस को। ऑल्टर ने ट्रांसफ्यूजन संबंधी हेपेटाइटिस का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि क्रोनिक हेपेटाइटिस एक सामान्य कारण एक अज्ञात वायरस था। यूटन ने हेपेटाइटिस सी वायरस के जीनोम को अलग करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया, और राइस ने सिद्ध किया कि हेपेटाइटिस सी वायरस अकेले हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। इसके अलावा लिटरेचर और पीस और इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल अभी तक दिए जाने बाकी हैं। लिटरेचर का अवार्ड सालों से विवादित रहा है, देखते हैं इस साल ये किसे मिलता है। इनके बाद हमारी लिस्ट में है उदित सिंगल। ये 18 वर्षीय भारतीय हैं। सिंगल को सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 की 17 युवाओं की सूची में शामिल किया गया है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा ये सूची निकाली जाती है 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
ये ग्लास टू सैंड के संस्थापक है जो कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए प्रयासरत हैं। दिल्ली में कांच के बढ़ते कचरे से निपटने की दिशा में इनके द्वारा काम किया जा रहा है। उदित सिंगल के बाद हम देखेंगे कनकलता बरुआ। ये जो आप पिक्चर में इमेज देख रहे हैं ये गोहपुर की है। कनकलता बरुआ वहीं पे जन्मी थी। कनकलता बरुआ को बीरबाला या शहीद भी कहा जाता है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 20 सितंबर 1942 को तेजपुर की एक कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय किया गया था। तिरंगा फहराने आई हुई भीड़ पर गोलियां दाग दी गई थी और कनकलता बरुआ भी उसी में शहीद हो गई थी। अभी हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ कोलकाता में कमीशन की गई है, यानी एक ICGS का नाम इनके नाम पे रखा गया है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान से 17वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं। 3 महिलाएं हैं, रंजीता कोहली जो कि भरतपुर से हैं, जसकौर मीणा जो कि दौसा से हैं। कहा जाता है कि ये अपनी कम्युनिटी की फर्स्ट लिटरेट पार्लियामेंटेरियन हैं। दिया कुमारी जो कि जयपुर राजघराने से संबंधित हैं और ये राजसमंद से सांसद हैं। लोकसभा में टोटल 78 फीमेल पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि लगभग 14.4% है टोटल मेंबरशिप का। कैबिनेट में कितनी महिलाएं हैं अब वो देख लेते हैं। केवल 6 महिलाएं हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स संभालती हैं। हरसिमरत कौर बादल मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और स्मृति ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इनके अलावा 3 वुमेन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। साध्वी निरंजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रेणुका सिंह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और देवश्री चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पार्लियामेंट हैज सेंक्शन अ स्ट्रेंथ ऑफ 543 इन लोकसभा एंड 245 इन राज्यसभा इंक्लूडिंग 12 नॉमिनीज फ्रॉम द एक्सपर्टीज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस कल्चर आर्ट एंड हिस्ट्री। राज्यसभा में टोटल 25 महिलाएं हैं। फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर्स 6 हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और निर्मला सीतारमण जी राज्यसभा से हैं, लोकसभा से नहीं। राजस्थान की विधानसभा में 25 महिलाएं हैं पर मिनिस्टर केवल एक ही हैं, श्रीमती ममता भूपेश जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की इंडिपेंडेंट चार्ज में हैं, पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्रेसल डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट और वक्फ डिपार्टमेंट, इन चारों डिपार्टमेंट को ये हैंडल करती हैं। इसी के साथ आज के हमारे पीपल इन न्यूज़ की लिस्ट कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए बिकॉज आई एम वेरी श्योर ये काफ़ी यूजफुल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने देखा है कि 50% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, टेक केयर।